लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के मकसद से बने विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस के नेताओं की चौथी बैठक संपन्न हुई। इस मीटिंग में इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ममता के प्रस्ताव का समर्थन किया। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही इंडिया अलायंस के कन्वीनर के लिए भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनम्रता पूर्वक अलायंस के चेहरे बनने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ वंचितों के लिए काम करना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि पहले चुनाव जीत कर आएंगे, उसके बाद पीएम उम्मीदवार तय करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक दलित चेहरा होने की वजह से खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के लिए आगे बढ़ाया गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खड़गे के नाम पर अभी अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। इसके साथ ही इंडिया अलायंस की मीटिंग में शीट शेयरिंग फॉर्मूले, अलायंस को कोऑर्डिनेटर, चुनावी एजेंडा और चुनावी मुद्दे समेत इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। मिली जानकारी के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर डिटेल चर्चा तो हुई, मगर उस मीटिंग में कुछ फाइनल नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी समेत इंडिया अलायंस के कई दलों ने सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी गई है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे, राज्यों में हमारे लोग हैं, वो इस पर मिलकर बात करेंगे। अगर राज्यों में बात नहीं बनेगी तो इंडिया गठबंधन में हम बात करेंगे, सभी राज्यों में मुद्दा सुलझाया जाएगा। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि चौथी मीटिंग में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। नेताओं ने अपने विचार गठबंधन के सामने रखे। लोगों के हित में सब मिलकर किस ढंग से अपने काम को करना है, ये जो भी शुरू से मुद्दे उठाना है, इस पर चर्चा हुई। देश में कम से कम 8 से 10 मीटिंग करने का फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में देश की संसद में सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, यह अलोकतांत्रिक है। इसके लिए सबको मिलकर लड़ना होगा, जिसके लिए हम तैयार हैं। 22 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि खड़गे ने पीएम उम्मीदवार को लेकर उनके नाम के प्रस्ताव पर कोई बयान नहीं दिया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी उठाया गया। यह सुझाव दिया गया है कि विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर लड़ेगा। कुल 141 सांसदों के सस्पेंशन के बाद लोकसभा में विपक्ष के 102, राज्यसभा में विपक्ष के 94 सांसद बचे हैं। दिल्ली के अशोका होटल में इस मीटिंग में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। इस बैठक में सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सभी पार्टियां मैदान में उतरने को तैयार हैं, जल्द ही टिकट बंटवारे की प्रक्रिया शुरू होगी। मैंने पहले दिन ही कहा है कि इंडिया अलायंस की रणनीति पीडीए होगी, हम उन्हें हराएंगे। हालांकि पीएम फेस के सवाल पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चर्चा स्पष्ट रूप से हुई है, सीट शेयरिंग, जनसंपर्क कार्यक्रम, यह सब 20 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा, सभी फैसले 3 सप्ताह के अंदर लिए जाएंगे। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5 सदस्यों की नेशनल अलायंस कमेटी बनाई। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया है। इंडिया अलायंस की इससे पहले 3 बार मीटिंग हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी। इस बैठक की अगुवाई बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की थी। इसमें विपक्ष के 15 दल शामिल हुए थे। इंडिया अलायंस की दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए। इस बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया। इसका फुल फॉर्म इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। ये नाम ममता बनर्जी ने सुझाया था। राहुल गांधी ने इसका समर्थन किया। हालांकि नीतीश कुमार ने अलायंस के नाम पर आपत्ति जताई थी। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त 1 सितंबर को हुई। इस मीटिंग में अलायंस ने 5 कमेटियों, कैंपेन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्ट्रेटजी कमेटी, मीडिया, सोशल मीडिया और रिसर्च कमेटी का ऐलान किया था। इस बैठक में 28 विपक्षी दल शामिल हुए थे। बाकी देखना ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए खड़गे के नाम के प्रस्ताव का समर्थन नीतीश कुमार करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।